Welcome to the Tech Gurukul. The next question is question number 11. Manav has a small box with rupees 740 in coin of denomination of 1, 2 and 5 rupees. Manav ke paas total kitne rupees hai? 740 rupees hai. Same like as question number 10. Ab ye coins mein hai. Kis kis coins mein hai? 1 ke coin mein hai, 2 ke coin mein hai aur 5 ke coin mein hai. To agar hame pata chal jaye ki kitna coin hai, 1 का कितना क्वाइन है, 2 का और कितना क्वाइन है, 3 का, तो तीनों को अगर ऐड कर दे, सपोज मान लिया कि मुझे ये मालूम चल गया कि ये 4 है, ये 6 है और ये 7 है, तो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो हमारा टोटल आंसर क्या आएगा, 740। अब हमें लेकिन ये नंबर पता नहीं है कि ये कितने क्वाइंस है, तो यही हमें निकालना है बाकी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। मूविंग ऑन, If the number of coins of denomination of rupees 2 are 3 times, rupees 2 are 3 times the number of coin of denomination of rupees 1. यहां पे 2 क्या है? 3 times of coin A है. तो अब एक question यह आ सकता है कि 2 को X मानू कि 1 को X मानू? तो इसका answer यह है कि जो number छोटा हो, उसी को हम reference मान लेते हैं और उसी को X मानते हैं. अब यहां पे हम देख सकते हैं कि 2 3 टाइम्स है, दैट मींस 2 बड़ा है और यहां पे 1 छोटा है, तो जो छोटा है उसे रेफरेंस मानिए, दैट मींस 1 कितना होगा, x होगा, तो 2 कितना होगा उसका, 3 टाइम ऑफ 1 होगा, दैट मींस अगर नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 1 x है तो 2 का कितना होगा, 3 * x, दैट मींस 3x, तो हमें 2 पता चल गया है। पहला जो 1 का कॉइन है वो कितना है, x है, 2 का कॉइन कितना है, 3x है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, एंड द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 5 आर ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइन 2, तो यानी नंबर ऑफ 2 कॉइन जितना है उसका ट्वाइस 5 है, तो हमें पहले से ही पता है नंबर ऑफ जो 2 कॉइन है वो कितना है, 3x है, तो 3x का ट्वाइस क्या होगा, 3x * 2, दैट इज 6 X. अब हमारे पास नंबर आ गया है x, 3x और 6x, और अगर मैं ये तीनों को ऐड कर दूं तो आंसर आएगा 740, ये हमें पहले से पता है। तो अब यहां पे वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल सिर्फ एक है, डिग्री कितनी है, एक है, और इक्वेशन कितना है, एक है, तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, 1 * x, x plus 2 * 3, 3x plus 5 into 6, 30x equal to 740 rupees. अब इसे add कर देंगे, add करना बहुत आसान है, अगर unit same हो तो हम आसानी से जैसे बाकी नंबरों को add करते हैं वैसे हम इस नंबर को भी add कर देंगे, जैसे 1 mango, 6 mango और 30 mango, कितना हो जाएगा, 36 plus 37 mango, और mango हमने किसके जगह लिखा था, x के जगह लिखा था, तो that means 37 mango, that means 37x, 740। तो अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है 37 के साथ x, तो x को अलोन करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। हमने क्यों अलोन किया x को, क्योंकि जिसका भी वैल्यू निकालना है उसे अलोन करना पड़ता है, तभी हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 37 के टेबल में 2 जाता है 74, दैट मींस x का वैल्यू क्या हुआ, 20। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कॉइंस ऑफ इच डिनोमिनेशन डज मानव है। अब हमें क्या निकालना है कि कितने-कितने कॉइन है उसे, 1 के पास, 2 के पास और 5 के पास। तो सबसे पहला 1 के पास कितना था, x, जिसका वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, 20 क्वाइन। अब 2 के पास क्या था, 3x, दैट मींस 3 * 20 इक्वल टू 60 क्वाइंस, एंड 5 के पास क्या था, 6x, दैट मींस 5 * 20, दैट मींस 100 क्वाइंस। क्वेश्चन 12, फॉर अ ट्रेन जर्नी 20x plus 50 passenger bought ticket costing rupees 500 each. अब आप कहेंगे कि passenger का number या तो 2, 5, 10 ऐसा कुछ number हो सकता है, या नहीं तो x, y जैसा कुछ number हो सकता है। ये 20x plus 50 किस तरह का number है? 20x plus 50. तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए मिस्टर राम के पास x mango है और मिस्टर श्याम के पास उनका डबल मैंगो है, दैट मींस 2x मैंगो है। तो यहां पे क्या है, सिर्फ वेरिएबल है, यहां पे क्या है, वेरिएबल प्लस, दैट मींस मल्टीप्लाई, एक नॉर्मल नंबर है,
इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी ऐसा नंबर बना सकते हैं जो अल्फा न्यूमेरिक हो, दैट मीन्स वेरिएबल और नंबर आपस में एक रिलेशन स्टैब्लिश करे। वो रिलेशन किस तरह का हो सकता है? मल्टीप्लाई का हो सकता है, डिवीजन का हो सकता है, इवन प्लस माइनस का भी हो सकता है। मूविंग ऑन, तो दिस मच ऑफ पैसेंजर इज देयर एंड हर एक के टिकट का कॉस्ट क्या था? 500 इच था, दैट मीन्स 500 रुपीज इच। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 5 पैसेंजर की अगर टिकट है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 into 500। अगर हमारे पास x पैसेंजर है और 500 इच की टिकट है तो x into 500। सिमिलरली अगर इतने पैसेंजर हैं तो उनका टिकट कितने का होगा? 20x plus 50 into 500 इच। 500 को पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो टोटल कॉस्ट है वो कितना आएगा? 20x plus 50 into 500। नेक्स्ट, एंड 30x minus 20 पैसेंजर बॉट टिकट कॉस्टिंग 750 इच। तो यानी अगर इतने पैसेंजर हो और हर एक का रेट 750 रुपीज पर इच हो तो हम क्या करेंगे? सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्टिंग इसका आ जाएगा। दैट मीन्स 30x minus 20 into 750 रुपीज। ये तो हो गई कॉस्टिंग की बात। उसके अलावा क्वेश्चन क्या कहता है? इफ द ट्रेन हैज अ कैपेसिटी ऑफ 480 पैसेंजर एंड वाज जस्ट फुल। पहले हमारे पास कितने पैसेंजर आए? इतने आए। फिर हमारे पास कितने पैसेंजर आए? इतने आए। जब ये दोनों बोर्ड किए ट्रेन में तो टोटल कैपेसिटी हो गई 480। दैट मीन्स अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 480। ये हुई पहली नंबर। दूसरी नंबर ये हुई, इक्वल टू क्या होगा? 480 पैसेंजर। अब हमारे पास कितने इक्वेशन है? टोटल एक है। वेरिएबल कितने हैं? सिर्फ x है तो हमारा एक वेरिएबल है, तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। 20x plus 30x, that is 50x, 50 minus 20, that means 30, equal to 480, 50x, ये 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 480 minus 30 equal to 450, तो हम क्या निकाल सकते हैं? x निकाल सकते हैं, 50 multiply में था, उधर जाके हो जाएगा divide। 5 के डबल में 45 9 जा आता है, तो x का वैल्यू क्या हो गया? 9 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर फॉर इच कैटेगरी। पहले कैटेगरी में कितने थे? इतने थे। दूसरे में इतने थे, तो अब हम एक एक करके निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू 9 है, तो 20 into 9 plus 50, 20 into 9 equal to 180, 180 plus 50, तो कितना हो जाएगा? इक्वल टू 230। अब हमें दूसरे टाइप का भी पैसेंजर निकालना है, टोटल उसमें कितने पैसेंजर थे। दो तरीके हैं, या तो इसमें x का वैल्यू पुट करिए, या नहीं तो डायरेक्ट आप 480 से अगर माइनस भी कर देंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। मैं एक काम करता हूं, 480 से ये वाला नंबर माइनस कर देता हूं, तो कितना आएगा? 480 minus 230 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको? 250। अगर आप ऐसे भी सॉल्व करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट, ऑल्सो फाइंड टोटल मनी पेड फॉर द टिकट। अब हमें पता है कि इन्होंने कितना खर्च किया, दिस वन इंटू 500, इन्होंने कितना खर्च किया, दिस वन इंटू 750। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो हमारा आंसर निकल आएगा, बट हमें यहां पे ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने पहले ही से इसका वैल्यू निकाल लिया है, वो क्या है? 230 और 250। तो 230 लोगों ने क्या रेट से टिकट ली थी? 500 प्लस 250 लोगों ने किस रेट से टिकट ली थी? 750। इसी से आपका टोटल रेट आ जाएगा। टोटल रेट कैसे निकाल सकते हैं आप? टोटल पैसेंजर इंटू इच पैसेंजर को कितना लगा। बट यहाँ पे क्या है, दो कैटेगरी है, एक कैटेगरी को लगा 500, दूसरे कैटेगरी को लगा 750। तो हम क्या करेंगे, एक कैटेगरी को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे कैटेगरी को 750 से, और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आता है 0, 3 बार है तो 0 0 0, 5 3 जा 15, 1 इज लेफ्ट, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11, प्लस कितने जीरो आएंगे? 0 0 2 टाइम्स है, दैट मींस 2 0, 25 5 जा 125, 12 इज लेफ्ट, 25 7 जा
175 में अगर मैं 12 ऐड करूं तो हमारा आता है आंसर 187। अब मैं इसे ऐड कर देता हूं, 0 0 5, 7 प्लस 5 इज 12, 1 इज लेफ्ट, 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 1 10, 1 इज लेफ्ट, 1 प्लस 1 2, 1 लेफ्ट पहले से था तो आंसर हो गया 3। तो हमारा टोटल आंसर आया 3,02,500 रुपीज। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 13। द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट द विनर इन द कॉम्पिटिशन विल गेट अ प्राइज ऑफ ₹200। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे एक विनर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे विनर हो सकते हैं और जो भी जीतेगा उसे क्या मिलेगा, ₹200 मिलेगा। एंड अ पार्टिसिपेंट हु पार्टिसिपेट्स एंड डज नॉट विन विल गेट अ प्राइज ऑफ ₹50, और जो नहीं जीतेगा उसे क्या मिलेगा, ₹50 मिलेगा। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹6,000। अब क्या है, जो ये पैसे, जैसे जो जीता उसे 200 मिला और जो नहीं जीता उसे ₹50 मिला, तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट करके हो जाएगा तो टोटल मनी कितना आएगा, ₹6,000। अब आप यहां पे देखें, यहां पे कितने लोगों को प्राइज मिला है ये हमें नहीं पता, तो सपोज एक नंबर ले लेंगे जो हमें नहीं पता, ठीक है, और कितने लोगों को प्राइज नहीं मिला ये भी हमें नहीं पता। तो अगर मैं इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दूं और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं तो हमारा नंबर क्या आएगा, 6,000 आएगा। फिर से समझते हैं, मान लीजिए 5 लोग थे जिन्हें ₹200 मिला, उनका टोटल मनी हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, प्लस अगर 10 लोग थे जिन्हें ₹50 मिला, उनका भी पैसा हमने मल्टीप्लाई करके अगर दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो टोटल मनी 6,000 आएगा, क्योंकि टोटल मनी कितना खर्चा हुआ है, ₹6,000 हुआ है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ विनर। अभी क्या निकालना है, नंबर ऑफ विनर निकालना है, दैट मीन्स ये पार्ट निकालना है। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 60, तो अब यहां पे क्या इक्वेशन है कि जो जीते हैं और जो नहीं जीते हैं अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो आंसर आएगा 60। तो सपोज इसे मान लेता हूं x, तो दूसरा क्या होगा, 60 - x, बहुत सिंपल सी बात है। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, 200 × x, दैट मीन्स 200x प्लस ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये मल्टीप्लाई 50 से दोनों बार होगा, 60 से भी और x से भी, दैट मीन्स 50 × 60, दैट मीन्स 3,000 - 50x इक्वल टू 6,000 रुपीज। अब यहां पे एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले, 200 - 50, दैट मीन्स 150x, और ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा और ये 3,000 उधर चला जाएगा, ये क्या था अभी, प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 6,000 - 3,000, दैट इज 3,000 रुपीज। अब क्या हो जाएगा, एक्स को अलोन कर देंगे, 150 उधर चला जाएगा, डिवाइड में 0 0 कट जाएगा, 15 के टेबल में 2 जा 30 आता है, 0 इज लेफ्ट, दैट मीन्स 20। तो एक्स किसका था, एक्स नंबर ऑफ विनर थे और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ विनर। बहुत सिंपल सी बात है, टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे, 60 थे, जिसमें इसका वैल्यू कितना आ गया, एक्स का 20, यही आपका आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता कि कितने लोगों को प्राइज नहीं मिला, कि कितने लोग विनर नहीं थे, तो आंसर क्या होता, 60 - 20 = 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। सोनिका वेंट शॉपिंग विथ हर डॉटर आरुषि, शी स्पेंट हाफ ऑफ वॉट शी हैड। ओके, सबसे पहले सोनिका अपनी बेटी आरुषि के साथ शॉपिंग के लिए गई और उसके पास सपोज एक्स रुपीज था। यहां पे उसके पास कितने रुपीज थे ये दिया हुआ नहीं है, इसलिए मैं मान लेता हूं कि उसके पास एक्स रुपीज था। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए मैं इसे ट्री डायग्राम से समझता हूं। सबसे पहले उसके पास कितने रुपीज थे, एक्स थे, तो उसने कितना स्पेंड कर दिया, हाफ, दैट मीन्स x/2 उसने स्पेंट कर दिया। तो अब उसके पास कितना बचा, बहुत सिंपल सी बात है, अगर उसने आधा स्पेंट कर दिया तो कितने बच गए, हाफ बच गए, दैट मीन्स क्या बच गया, x/2 बच गया। उसके बाद एंड गेव रुपीज टू अ बैगर, उसने सबसे पहले क्या किया, उसके पास एक्स रुपीज थे उसने आधे खर्च कर दिए, दैट मीन्स x/2 खर्च कर दिए। उसके अलावा उसने क्या किया, 2
₹2 बैगर को दे दिया। अब ये ₹2 देने के बाद क्या हुआ, उसके पास बचे कितने थे, जितने खर्च किए थे उतने ही बचे थे, दैट मीन्स एक्स बाई टू, उसमें से उसने ₹2 और दे दिए, तो उसके पास अभी टोटल कितने रुपीज बच गए, एक्स बाई टू माइनस टू। इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स बाई टू माइनस टू, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका बेस क्या है, यहां पर टू, और इसका बेस कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बेस भी टू बनाना पड़ेगा जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सके। तो इसका बेस अगर मैं टू डालूं तो ऊपर भी एक टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू माइनस फोर बाई टू, और अगर बेस सेम हो जाए तो हम ऐसा आराम से लिख सकते हैं, एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू, इसे डायरेक्ट मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू। देन अगेन शी spent half of what was left on lunch and gave ₹10 as tip. अब उसके पास कितने रुपीज बचे थे, x minus 4 by 2 बचे थे। उसने सबसे पहले क्या किया, इस रुपीज का आधा उसने लंच पे खर्च कर दिया। इस रुपीज का आधा, किसी भी चीज का आधा क्या होता है, 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो वो आधा पार्ट हो जाता है। तो x minus 4 divided by, ये 2 पहले से था, एक और 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस फोर डिवाइडेड बाई फोर, ये इसने कहां खर्च कर दिया, लंच में खर्च कर दिया, और उसके बाद उसने ₹10 टिप भी दे दी। तो अब उसके पास कितना पैसा बचेगा, उसके पास पहले थे x माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू, उसका आधा, दैट मीन्स x माइनस फोर डिवाइडेड बाई फोर उसने खर्च किया, तो बचा कितना होगा उसके पास, सेम आधा बचा होगा x माइनस फोर डिवाइडेड बाई फोर, उसमें से भी उसने ₹10 टिप दे दिया, तो बचेगा कितना, x minus 4 divided by 4 minus 10, इसे भी सॉल्व करते हैं, x minus 4 divided by 4 minus 10, अब क्या करना पड़ेगा, इसका कॉमन भी 4 लेना पड़ेगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं, नीचे एक 4 लाएंगे और साथ में ऊपर भी एक मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, अब ये 4 कॉमन हो गया, तो क्या होगा, x minus 4 और minus 10 into 4, that means minus 14, अब माइनस फोर माइनस फोर्टी, दैट मीन्स माइनस 44, तो x माइनस 44 बाई 4, इतने पैसे उसके पास बच गए। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं, x माइनस 44 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद क्या हुआ, शी स्पेंट हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, फिर से उसने हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट खर्च कर दिया, दैट मीन्स ये रिमेनिंग अमाउंट क्या था, x माइनस 44 था, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आएगा x minus 44 divided by 8, इसने ये खर्च कर दिया स्टेशनरी लेने में, and spent ₹6 as bus fare, तो उसने क्या किया, ₹6 और खर्च कर दिए इसी में से। When they reached home, Sonika had ₹20 left in her purse. उसके बाद जब वो घर वापस आती है तो उसने क्या देखा, उसके पर्स में ₹20 बचे हुए हैं। अभी आप देखिए, सबसे पहले उसके पास इस पॉइंट पे कितने रुपीज थे, x minus 44 थे, उसने आधे, that means x minus 44 यहाँ पे खर्च कर दिए, तो जब यहाँ पे that means stationery में खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे, बहुत सिंपल सी बात है, अगर उसने हाफ खर्च कर दिए तो हाफ बचे, तो ये हाफ पार्ट कितना था, इतना था, तो हाफ पार्ट अगर x के फॉर्म में देखे तो ये, और हाफ पार्ट अगर नंबर के फॉर्म में देखे तो 6 plus 20, that means 26, तो ऐसा हम लिख सकते हैं, x minus 44 upon 8 equal to 26. इसे सॉल्व कर देते हैं, 8 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 26 into 8. आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये 8 को पहले मैंने इधर क्यों भेजा, 44 को क्यों नहीं भेजा, तो हर बार क्या होता था, 8 आपका किसी खास टर्म से मल्टीप्लाई होता था, बट यहाँ पे 8 क्या है, पूरे टर्म से, यानी दैट मीन्स होल टर्म से आपको डिवाइड है, तो ऐसे टर्म जो भी पूरे टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड है उसे हम पहले भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए 8 x से भी डिवाइड है और 44 से भी डिवाइड है, 8 6 जा 48, 4 इज लेफ्ट, 8 2 जा 16, 16 4 20, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 44 था उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इसे अगर मैं ऐड कर दूं तो हमारा आंसर आता है 4 8 दैट मींस 2, 1 इज लेफ्ट, 4 प्लस 1 5 एंड 2, हमारा x का वैल्यू आता है ₹252, और ये क्या है, ये वही रुपीज है जो सोनिका घर से लेकर निकली थी, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या माना था, x रुपीज है जो वो घर से लेकर निकली है, और आंसर क्या आया, 252, तो यही उसका फाइनल आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15,
5 years ago, Rahul's father was 5 times Rahul age. सबसे पहले ये कब की बात है? 5 साल पहले की बात है. और राहुल और उसके फादर में बड़ा कौन है? फादर. और छोटा कौन है? राहुल. तो हमेशा छोटे वाले टर्म को हम x मानते हैं. तो सपोज राहुल की एज क्या थी? x ईयर थी. तो उसके डैडी की क्या ईयर होगी? वॉज 5 times राहुल एज. दैट मीन्स 5 into x. दैट मीन्स 5x ईयर. ये कब की बात थी? ये 5 साल पहले की बात थी. एट प्रेजेंट दैट मीन्स 5 साल बाद क्या एज होगी उनकी? 5x plus 5. क्योंकि ये 5 साल पहले की बात थी 5x. तो 5 साल बाद होगी 5x plus 5. तो राहुल की एज क्या होगी? x plus 5. एट प्रेजेंट द सम ऑफ राहुल एंड हिज फादर एज 40 years. अभी प्रेजेंट में अगर मैं दोनों की एज को ऐड कर दूं तो 40 years होगा. अभी प्रेजेंट में उनकी एज क्या है? 5x plus 5 और x plus 5. अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो आंसर आएगा 40. अब यहाँ पे कितने वेरिएबल है? सिर्फ एक वेरिएबल है. तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. 5x plus x that means 6x. 5 plus 5 that is 10 equal to 40. That means 6x equal to 40 minus 10 equal to 30. माइनस क्यों हुआ? इधर प्लस था तो उधर जाके माइनस हो जाएगा. तो 6 मल्टीप्लाई में था तो हो जाएगा डिवाइड. दैट मीन्स 30/6 इक्वल टू 5 ईयर. अब यहां पर आपको याद रखना है कि आपका जो x का एज था, दैट मीन्स राहुल का एज, वो कब था? ये एज 5 साल पहले था. क्या था वो? 5 ईयर. ये कब था? 5 साल पहले था. और आपसे कब का पूछा जा रहा है? व्हाट आर द प्रेजेंट एज. यानी अगर वो 5 साल पहले 5 साल का था तो राइट नाउ अभी वो कितने साल का है? x plus 5. दैट मीन्स 5 plus 5 इक्वल टू 10 ईयर. और उसके डैडी कितने साल के थे? 5x के. तो अब उनकी एज क्या हो गई? 5x plus 5 इक्वल टू 5 इंटू x का वैल्यू है 5 plus 5. दैट मीन्स 25 plus 5 इक्वल टू 30. आपको ये बात बिल्कुल याद रखना है कि आपसे कब का एज पूछा गया है. यहाँ पर प्रेजेंट एज पूछा गया है तो आपको उसी के हिसाब से डील करना पड़ेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. ऐश्वर्या इज ट्वाइस एज ओल्ड एज करिश्मा. अभी यहाँ पे क्या है कि जो सबसे छोटा होता है उसे हम x मानते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो ऐश्वर्या क्या है? ट्वाइस है. तो यहाँ पे ऐश्वर्या बड़ी हुई तो छोटा कौन हुआ? करिश्मा. तो करिश्मा की एज क्या होगी अभी? करिश्मा एज होगी आपको x, जो आप लिख सकते हैं. सपोज करिश्मा एज एज x, देन ऐश्वर्या एज क्या होगी? 3x. तो अगर करिश्मा x थी तो ये क्या होगा? 3x होगा. आफ्टर दैट इफ 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम करिश्मा एज. हमने क्या किया? 6 ईयर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. दैट मीन्स क्या होगा? x माइनस 6 एंड 4 ईयर एडेड टू द ऐश्वर्या एज. ऐश्वर्या के एज में मैंने 4 ईयर एड कर दिया. क्या किया सबसे पहले? इसमें 6 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें 4 ईयर एड कर दिया. उसके बाद क्या होता है? देन ऐश्वर्या विल बी 4 टाइम करिश्मा एज. अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं और इसमें 6 माइनस कर दूं तो अब जो एज आएगी ऐश्वर्या की वो क्या होगी? करिश्मा से 4 टाइम्स होगी. तो यहां पे क्लियरली ये बड़ी है. कितने टाइम्स? 4 टाइम्स. और अगर मैं इसे इक्वल टू बनाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा? ऐश्वर्या ऑलरेडी यहां पे 4 टाइम्स बड़ी है. तो अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं या इसे 4 से डिवाइड कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा. दोनों एक ही चीज हुई. तो मैं एक काम करता हूं, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. क्यों किया? क्योंकि फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो ये 4 टाइम्स बड़ी थी. तो अगर मैं इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों इक्वल टू हो जाएगा. मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे एक इक्वेशन फॉर्म करना है जिसमें बीच में इक्वल टू हो और हम आसानी से सॉल्व कर सके. इसलिए हमने इसे 4 से मल्टीप्लाई किया. दैट मीन्स 3x plus 4 इक्वल टू 4x minus 4 into 6. दैट मीन्स 24. x को एक तरफ ले आएंगे. दैट मीन्स 3x minus 4x और ये प्लस 4 उधर चला जाएगा. दैट मीन्स -4 - 24 हो जाएगा -28. 3x minus 4x, यहाँ पे -4x बड़ा है तो साइन आएगा माइनस एक्स. एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और x का क्या एज हुआ? 28. अभी यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि ये आपका प्रेजेंट सिनेरियो है जिसमें करिश्मा की एज क्या हो गई? 28. और ऐश की क्या एज हो गई? 28
into 3. That means 3 8 ja 24, 2 is left, 3 2 ja 6, 6 into 8. ये हो गई प्रेजेंट एज. बट आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ ओल्ड वेयर दे टू ईयर अगो, यानी दो साल पहले इनकी एज क्या थी. आज के डेट में इनकी एज है 28, तो करिश्मा की एज होगी 28 माइनस 2 इक्वल टू 26, और 84 की एज होगी 84 माइनस 2 इक्वल टू 82. दैट इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम देयर आर 90 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. कभी भी आपसे कोई एग्जाम होता है जिसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस आंसर है, दैट मींस एक क्वेश्चन के कई आंसर है, आपको उसमें से एक टिक लगाना है. तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वहां पे, या तो आप राइट टिक लगाएंगे, या नहीं तो आप रॉन्ग टिक लगाएंगे, या नहीं तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे. यही तीन चीज हो सकता है, या तो आपका आंसर सही होगा या रॉन्ग होगा, या आपने वो अटेम्प्ट ही नहीं किया. अब यहाँ पे दिया हुआ है 4 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, यानी जब भी आप राइट आंसर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, 4 मार्क्स मिलते हैं. 2 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम एवरी रॉन्ग आंसर. तो जब भी आप एक रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपको क्या होता है, 2 नंबर माइनस हो जाता है. एंड 0.5 मार्क्स इज डिडक्टेड फ्रॉम एवरी अनअटेम्प्ट आंसर. अगर आप अटेम्प्ट नहीं भी करते हैं तो आपका 0.5 मार्क डिडक्ट हो जाता है, डिडक्ट मतलब माइनस हो जाता है. इफ अ स्टूडेंट लीव 10 क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट है जो 10 क्वेश्चन लीव कर देता है, दैट मीन्स वो क्या करता है, अनअटेम्प्ट रखता है. तो यहां लिखेंगे अनअटेम्प्ट इक्वल टू 10 क्वेश्चन. अब यहां पे टोटल कितने क्वेश्चन है, 90 क्वेश्चन है, जिसमें आपको अनअटेम्प्ट के क्वेश्चन नंबर दिए हैं, बाकी दोनों के नहीं दिए हैं. तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि राइट या रॉन्ग कोई दोनों में से एक एक्स क्वेश्चन है. राइट आंसर इक्वल टू एक्स क्वेश्चन. अब हमारे पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 90 है, जिसमें से उसने 10 अनअटेम्प्ट रखे हैं, एक्स उसने राइट दिए हैं, तो रॉन्ग कितने होंगे. बहुत सिंपल सी बात है, 90 माइनस दिस वन 10 एंड माइनस एक्स, टोटल कितने थे 90, उसमें से 10 अनअटेम्प्ट हटा दिए, फिर राइट आंसर हटा दिए, तो जो बाकी बचेगा वो आपका होगा. तो क्या होगा, 80 माइनस एक्स, ये आपके रॉन्ग आंसर है. तो अब हम यहां बना सकते हैं, सबसे पहले कितने हुए थे अनअटेम्प्ट, 10 क्वेश्चन थे, और हर एक के लिए कितने पॉइंट आपके डिडक्ट होते हैं, 0.5. तो इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और तो जो टोटल आंसर आएगा वो आपका सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. दूसरा, रॉन्ग कितने थे, 80 माइनस एक्स थे, तो इसे भी मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं 80 माइनस एक्स और इसे सब्सट्रैक्ट कर दूं तो हमारा काम बन सकता है. और राइट आंसर कितने थे, एक्स थे, तो 4 इंटू एक्स कर दूं तो हमारा काम बन सकता है. तो उसने राइट कितने किए, एक्स किए, तो उसे टोटल मार्क कितने मिलेंगे, 4 इंटू एक्स. रॉन्ग कितने किए, 2 इंटू 80 माइनस एक्स, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. और अनअटेम्प्ट कितने हैं, 0.5 इंटू 10, ये आपके मार्क्स हो गए. और अगर मैं तीनों नंबर को ऐड करूं, या जो हमारा वैल्यू आता है वो क्या है, स्कोर अ टोटल ऑफ 195. उसने टोटल कितना स्कोर किया है, 195, तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 195. तो क्या आंसर आएगा, 4x माइनस, ये माइनस में है तो अंदर के सारे टर्म का साइन अपोजिट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. क्यों, क्योंकि इसके बाहर यानी ब्रैकेट के बाहर एक माइनस है. 2 into 8, 160, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2x, माइनस हो जाएगा इसका भी, 0.5 into 10, that is 5 equal to 195. अब ये माइनस और ये माइनस ऐड हो जाएगा, 160 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा, 165, किस में होगा, माइनस में होगा, माइनस 165. 4x plus 2x, that means 6x equal to 195. इसे अगर मैं उधर भेज दूं तो ये माइनस में उधर जाके हो जाएगा प्लस, 195 plus 165, that means 550, 9 plus 1, 10, 10 plus 6, 16, 1 is left, 1 plus 1, 2 and 3, 6x is equal to 360, that means x equal to 360 upon 6 equal to 60. तो अब हमारे पास आंसर है,
राइट उसने कितने किए, एक्स किए, दैट मीन 60। अन अटेम्प्ट पहले से हमें पता था 10, तो हमारा रॉन्ग आंसर क्या होगा, सिंपल सी बात है, रॉन्ग इक्वल टू 90 माइनस 60 माइनस 10, दैट मीन्स 90 माइनस 70 इक्वल टू 20 आंसर। तो क्या क्या आंसर आएगा, 60 एंड 20। हाउ मेनी ऑफ हिज आंसर वेयर करेक्ट, तो आपका आंसर यही पे निकल गया, यही आपका फाइनल आंसर है, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर पूछा तो आपको निकालना पड़ेगा।